जैसलमेर में ओरणों के लिए संघर्ष हो रहा है। जगह जगह जहाँ ओरणे हैं वहाँ पर ओरण की परिक्रमाएं कर रहे हैं लोग और ओरण की यात्राएं निकल रही है। अभी हाल ही में जैसलमेर में श्री देगराय जी मंदिर प्रांगण से शुरू हुई ओरण की यात्रा से लोगों में जन जागृति आई है और जिससे अब हर ग्रामीण इसके लिए आगे आ रहे हैं। और अभी हाल ही में दिद्दू आसकंद्रा में ओरण की परिक्रमा सफल हुई है, तो बहुत ही शानदार रही। दिद्दू आसकंद्रा में ओरण की भूमि कंपनियों को और बाहरी भूमाफियों को अलॉटमेंट कर रही है सरकार, जिसका हम पूर्ण जोर विरोध कर रहे हैं। अगर अलॉटमेंट करना ही है तो स्थानीय जो लोग भूमिहीन हैं उन्हें सरकारें अलॉटमेंट करे ज़मीन, और अन्यथा ओरण की भूमियों को कंपनियों को व बाहर की भूमाफियों को अलॉटमेंट ना करें। और ओरणों से स्थानीय लोगों का रोज़गार बना हुआ है, यहाँ पर असंख्य पशुधन और जीव जंतु यहाँ पालन पोषण कर रहे हैं ओरणों में। तो हमारी सबकी यही मांग है कि जैसलमेर की सभी ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में सरकार गैर मुमकिन ओरण के नाम से दर्ज करे, जिससे यहाँ से यहाँ के लोगों का स्थानीय रोजगार व संसाधन ये बना रहे। और जैसलमेर की पूरी जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी जागृत हों, यह एक सिर्फ किसी एक आदमी का या किसी एक टीम का काम नहीं है, यह हम सभी का काम है और हम सभी को जागृत होना पड़ेगा और जन जन को जागना पड़ेगा इसके लिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। मैं कुंदन सिंह मोकल, जय हिंद जय जैसलमेर।